ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत वेद पंडित। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हम हर रोज आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों शनि देव को कर्म फल देवता कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। लेकिन आज हम आपको शनि देव को प्रसन्न करने के तीन ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। इन तीनों उपायों करने के बाद आपका चाहे व्यापार हो चाहे आपकी नौकरी हो, आपको उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और साथ में ही आप धन को बचा भी पाएंगे, पैसों की बचत भी कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों शनिदेव बहुत ही कृपालु और दयालु होते हैं और यह प्रसन्न भी आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी जरूरत है जरूरत अनुसार आप इन तीनों उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय है नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में लाभ पाने के लिए। शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं सरसों के तेल से। इसके बाद पीपल के वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के पश्चात शनिदेव के इस मंत्र से शनिदेव की उपासना करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम प्रा प्री प्रो सा सनचराय नमः। इसकी आपको एक माला यानी 108 बार जप करना है। कम से कम आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और अंत में किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें। आपको नौकरी में बड़ा लाभ मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है। दूसरा उपाय है व्यापार से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ के लिए। शनिवार को सूर्य उदय के पूर्व यानी सूर्य उगने से पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है। शाम को फिर शनिवार की शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा वाला एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाएं। फिर वहीं पीपल के वृक्ष के पास खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं। इस दिन स्वयं भी सात्विक रहें यानी कि मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। तीसरा उपाय है धन बचाने वालों के लिए, यानी कि अगर आपको पैसों की बचत करनी है, अपने धन के कुछ इससे हिस्से से हर माह यानी हर महीने सरसों के तेल या फिर काली दाल का दान करें। इसी के साथ एक लोहे का सिक्का काले कपड़े में बांधकर घर के किसी अंधेरी जगह पे रख दें और भूलकर भी शनिवार को मजरा पान या मांसाहार भोजन ना करें। दोस्तों ये तीनों ही उपाय बहुत सरल और कारगर हैं, आप अपनी जरूरत अनुसार कर सकते हैं। याद रखिएगा शनिदेव आपको आपका फल जरूर देंगे, लेकिन इसी विधि अनुसार ये उपाय करें दोस्तों और अपने कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म प्रधान है। बाकी फल आपको इन उपायों के बाद मिल जाएगा जल्दी। विश्वास के साथ इन उपायों को करें। अगर आपको ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।